गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, बीएससी थर्ड ईयर, वेलकम ऑल द स्टूडेंट इन योर ऑनलाइन क्लास। हम जूलॉजी पेपर सेकंड पढ़ रहे हैं, जो कि है हमारा इकोलॉजी या पारिस्थितिकी। और इसमें हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो है हमारा अनुक्रमण या इकोलॉजिकल सक्सेशन। इसमें भी हम जो पढ़ रहे हैं वो हम एक्वाटिक एरिया में सक्सेशन की बात कर रहे हैं। और हमने एक्वाटिक एरिया में सक्सेशन की कुछ स्टेजेस देखी थी कि जैसे जैसे स्टेजेस बढ़ती जाती है हम कौन कौन से प्लांट्स और एनिमल्स वहां ग्रो करते हैं। तो जैसे हमने फर्स्ट स्टेज देखी थी प्लैंक्टोनिक स्टेज, वहां फाइटोप्लैंक्टॉन्स में जैसे एल्गी है या कि शैवाल, बैक्टीरिया या हम कहते हैं ब्लूग्रीन एल्गी डेवलप्ड होते हैं, और जू प्लैंक्टॉन में अमीबा, पैरामीशियम, यूबीना डेवलप्ड होते हैं। फिर जब प्लैंक्टोनिक स्टेज के बाद जब आती है निमग्न अवस्था, तो उस अवस्था में ऐसे प्लांट डेवलप होते हैं जो कि कहां रहते हैं, जल में डूबी हुई अवस्था में पाए जाते हैं, यानी कि एक तरीके से इमर्स डीप एरियाज में पाए जाते हैं। तो उस अवस्था में कौन कौन मिलता है, वेलिस्टेरिया मिल रहा है, मार्शीडिया मिल रहा है इस टाइप के, या हाइड्रिला मिल रहा है इस टाइप के प्लांट्स पाए जाते हैं। और एनिमल्स में अगर हम बात करते हैं डेफनिया, साइक्लॉप, साइप्रिस, ड्रैगन फ्लाई, इस तरीके के एनिमल्स वहां पाए जाते हैं। फिर जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं कि धीरे धीरे क्या होता है कि जो स्लेट है या हम कहते हैं मड की वजह से, एनिमल्स की बॉडी की वजह से डिके और डीकम्पोजिशन बढ़ता है, तो जो पॉन्ड का बॉटम होता है उसका लेवल तो क्या हो जाता है, बॉटम जो होता है वो लेयर हो जाती है, और जो वाटर लेवल है वो क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। इवेपोरेशन होता है तो इवेपोरेशन से भी क्या होता है, वाटर लेवल तो क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। और मड की वजह से एनिमल्स एंड प्लांट्स की डीकम्पोजिशन की वजह से, यानी कि इन जीवों की मृत्यु की वजह से जो तालाब का जो तल होता है उसमें क्या होता है, पानी का स्तर तो कम हो जाता है और क्या हो जाती है, मिट्टी और गाद जमा हो जाती है। तो प्लावीवस्था के बाद जो आती है, सॉरी निमग्न अवस्था के बाद जो आती है वो आती है प्लावीवस्था, जिसको हम कहते हैं फ्लोटिंग स्टेज। तो फ्लोटिंग स्टेज में क्या होता है, ऐसे प्लांट डेवलप्ड हो जाते हैं जो कि क्या कर सकते हैं, जल में तैरती हुई अवस्था में पाए जा सकते हैं, यानी कि फ्लोट करते हुए पाए जाते हैं। तो एक तरीके से कि सबमर्स जो प्लांट होते हैं उनके लिए तो ये एरिया कैसा हो जाता है, प्रतिकूल हो जाता है, यानी कि फेवरेबल नहीं रहता है। और हम अगर कहते हैं फ्लोटिंग एनिमल्स या फ्लोटिंग प्लांट्स के लिए ये एरिया कैसा हो जाता है, वेल ऑक्यूपाइड हो जाता है। तो इस वजह से यहाँ पर फ्लोटिंग प्लांट्स को क्या होते हैं, डेवलप्ड हो जाते हैं, और क्या हो जाते हैं, जो इमर्स प्लांट होते हैं, निमग्न जो पादप और जंतु होते हैं वो क्या हो जाने लगते हैं, डेड होने लग जाते हैं। तो फ्लोटिंग प्लांट्स में यहाँ पर जैसे अगर हम बात करें निम्फिया, ट्रापा, ये वॉल्फिया, पिस्टिया या डेवलप्ड हो जाते हैं। और साथ के साथ अगर हम एनिमल्स में बात कर रहे हैं तो कौन कौन से एक्वाटिक, यानी कि जो कहे टॉर्टोइज, टर्टल्स आ जाते हैं, स्नेक हो जाते हैं, कुछ फिशेज आ जाती है, इस तरीके के एनिमल्स यहाँ डेवलप हो जाते हैं। अब धीरे धीरे क्या होगा, इवेपोरेशन होगा, यानी कि वाष्पोत्सर्जन होगा, पानी का लेवल और कम होगा। फिर क्या होगा, धीरे धीरे यहाँ पर और जो है ना स्लिट वगैरह है या कहीं मड वगैरह डेवलप्ड होगी। तो एक तरीके से पानी का जो लेवल होता है, यानी कि एक तरीके से फ्लोटिंग के बाद बिल्कुल क्या हो जाता है, डेड कंडीशन में आ जाता है। बिल्कुल क्या जाएगा कि जो एक तरीके से बॉटम एरिया होगा वो तो अप हो जाएगा और वाटर लेवल
जल का स्तर बहुत कम हो जाता है, जिससे यह स्थान निमग्न है जलप्रवाही पात्रों के लिए अनुकूल नहीं रहता है, जिससे यह स्थान निमग्न है जलप्रवाही पात्रों के लिए अनुकूल नहीं रहता है। अब इस स्थान पर ऐसे पादप विकसित होते हैं जिनके तने पे पत्तियां जल की सतह पर हो तथा जड़ तल में फैली हो Dre
बॉटम पार्ट ऑफ द पॉन्ड, बॉटम पार्ट ऑफ द पॉन्ड सम एनिमल्स, सम stage. Dead
श्वादल अवस्था गैस को हम क्या कहते हैं, मार्श या सीडेड। मिडाओ परिवर्तित हो जाता है। जल स्तर बिल्कुल कम हो जाने के कारण तालाब कच्छ क्षेत्र में परिवर्तित हो जाता है। Because of decreases in water level,
decreases of water vapor because of decrease of water vapor and increase light intensity and increased light intensity and increased light intensity change in the substratum comes change in the substratum So in this stage due to high rate of transpiration mud is exposed to air mud is exposed to air so the marshy vegetation marshy vegetation start disappearing. So the marshy vegetation start disappearing. Marshy vegetation start disappearing. Next देखो वन स्थली अवस्था. Next क्या है हमारी वन स्थली अवस्था वुडलैंड स्टेज लिखे इस अवस्था में तालाब में इस अवस्था तक तालाब में शुष्क भूमि परिवर्तित हो जाती है इस अवस्था तक तालाब में शुष्क भूमि परिवर्तित हो जाती है जिससे इस स्थान पर केवल वे ही पादप विकसित होते हैं जो जल की कमी को सहन कर सकते हैं अतः इस अवस्था में इस स्थान पर वे ही पादप विकसित होते हैं
जल की कमी को सहन कर सके। यहां प्रारंभिक अवस्था में कुछ झाड़ियां व वृक्ष विकसित होते हैं। यहां प्रारंभिक अवस्था में कुछ झाड़ियां व वृक्ष विकसित होते हैं। ये वृक्ष जल के स्तर को और घटा देते हैं। जिससे नदा में ह्यूमस की मात्रा अधिक विकसित हो जाती है। और भूमि की उर्वरक क्षमता बढ़ जाती है। ठीक है, आज की क्लास हमारी यही कंप्लीट होती है। नेक्स्ट क्लास में हम इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।